नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन अपना उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में चार के बजाय पांचवें धाम सैन्य धाम की घोषणा कर सैनिक बाहुल्य प्रदेश उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए देशभक्ति की छाप छोड़ी थी, जिसे अब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करना चाहते हैं। इसी को लेकर आज सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने आवास पर बैठक की। बैठक में विभागीय अधिकारी, जिला अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी आदि भी मौजूद रहे। इस बैठक में राजभवन से पहले कैंटेरिया में बने वॉर मेमोरियल को सैन्य धाम के रूप में विकसित करने पर मंथन किया गया। फिर बैठक के बाद मंत्री गणेश जोशी ने बताया, हम प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुसार प्रदेश में भव्य सैन्य धाम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, धाम एक मंदिर होता है, इसलिए हम सैन्य धाम के प्रवेश द्वार के पास शहीद हरभजन सिंह व बाबा जसवंत सिंह का मंदिर बनाएंगे। उसके आगे अब चलेंगे तो सेना में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही एक म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा लाइटिंग और साउंड इफेक्ट्स के जरिए वीर गाथाएं भी सुनाई जाएंगी। इस धाम को विकसित करने की तैयारी चल रही है। मंत्री ने आगे बताया कि 1 अगस्त से हम सैन्य सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके तहत शहीद सैनिकों के घर जाकर उनके परिवार को सम्मान पत्र दिया जाएगा और उनके घर से मिट्टी लाई जाएगी, जिसे सैन्य धाम के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, सैन्य धाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना थी जब वो यहाँ पर आए थे, और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि पूर्व सैनिक होने के नाते आपने देखा होगा मैं सैनिकों के बीच में काम करता हूँ, और सौभाग्य से मुझे मेरे नेतृत्व ने सैनिक मंत्रालय दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक भव्य सैन्य धाम यहाँ पर बने, और क्योंकि हमने उसको सैन्य धाम का नाम दिया है, धाम का मतलब एक मंदिर से भी होता है, और हमारी सेना के अंदर 2 सैनिक ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है, बाबा जसवंत सिंह और बाबा हरभजन सिंह, जो हम उसका स्वरूप बना रहे हैं। जैसे हम एंट्री करेंगे, एक तरफ बाबा हरभजन सिंह का मंदिर होगा, एक तरफ बाबा जसवंत सिंह का मंदिर होगा, अंदर जो हमारे वेपन्स वगैरह हैं, जो टैंक्स हैं, आरटी गन्स हैं, वेसल्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, उनको हम प्लेटफॉर्म पर लगाएंगे। उसके अंदर एक म्यूजियम वहां पर होगा, लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से वीर गाथाएं हम वहां पर दिखाएंगे। जो हमारे सैनिक हैं उनका चित्र, उनका विवरण उस पर होगा। तो इस थीम को लेकर हम काम कर रहे हैं। वहीं अगली खबर उत्तर काशी से। आज तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड को लेकर धरना 42वें दिन भी जारी रहा। इसके साथ ही आज लगातार चल रहे अनशन को भी 22 दिन पूरे हो गए हैं। कल उत्तर काशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद सभी तीर्थ पुरोहितों ने निर्णय लिया था कि जब तक सरकार कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर लेती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कहा है कि हमारा धरना और प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, और जो हम उग्र आंदोलन और रैली की योजना बना रहे थे, उसे अभी के लिए स्थगित रखेंगे। गंगोत्री धाम व यमुनोत्री धाम के पुरोहितों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के कल के बयान से हम संतुष्ट तो हैं, पर बीजेपी सरकार में रहे पहले मुख्यमंत्रियों की तरह ही नए मुख्यमंत्री भी हमारी मांगों को ठंडे बस्ते में न डाल दें। वहीं कल उत्तरकाशी दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी ने 4 धामों के पुरोहितों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि हमारी सरकार दोबारा से देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करेगी और नई कमेटी गठित कर इसे सुधारने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज हम लोगों का जो ये देवस्थानम बोर्ड के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है निरंतर, आज 42वां दिन है। कल उत्तरकाशी में यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी आए थे, जिनसे कि हमारे तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी शिष्टमंडल ने भेंट की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आश्वासन दिया है कि हम सरकार में जो ये देवस्थानम बोर्ड है, इसके संबंध में पुनर्विचार के पक्ष में है, जिसका हम सभी तीर्थ पुरोहित और हक हकूकधारी स्वागत करते हैं, और हम यह अपेक्षा भी करते हैं
कि सरकार अति शीघ्र इसमें कोई ठोस निर्णय लेगी। जब तक सरकार इसमें कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेती है तब तक हम लोगों का यह आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। जय गंगा मैया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कल उत्तरकाशी आए थे उन्होंने जो वक्तव्य दिया है देवस्थानम बोर्ड पे इसको जो है संशोधन के लिए उन्होंने बोला है तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है और तीर्थ पुरोहितों की आशा भी जाग रही है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे कि मुख्यमंत्री जी आप सनातन धर्मावलंबी हैं तो ये पुरोहितों की थाली पे जो नजर गड़ी हुई है सरकार की, जैसे त्रिवेंद्र रावत बोल रहा था इतना पैसा इतना जमीन उस धाम की है, इतना जमीन बद्रीनाथ धाम की है, इतना गंगोत्री यमुनोत्री की है तो उससे हम सरकारें चलाएंगे, तो इनके चक्रों में मत पड़िए। और त्रिवेंद्र रावत जैसा नीच व्यक्ति हमारे उत्तराखंड में आज तक कभी न कोई मुख्यमंत्री आया न मेरे ख्याल से आएगा, वो ये सारी उसकी देन है। अगर आप मानते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन संपूर्ण जगत है, तो देवताओं की शक्तियां भी आपको मालूम होंगी मुख्यमंत्री जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो आपने निर्णय लिया है उच्च स्तरीय जो आप समिति जो उसका गठन करेंगे वो अच्छी बात है, और इसमें संशोधन करके जब तक आपने ठोस निर्णय नहीं लिया लिखित रूप से जो है ये संशोधन आपकी नियमावली जो बनी हुई है ये संशोधन करके हमको आपने जब तक नहीं सौंपी तब तक हमारा कर्मी कंसर्न चलता रहेगा। समिति का हम गठन कर रहे हैं और जल्दी ही जो है वो समिति सभी से बात करेगी और सबसे बात करने के बाद उस पर जो है मातरम संगठन के बैनर तले युवाओं द्वारा उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं ने कहा कि मौजूदा भू कानून के चलते राज्य के मूल निवासी यहां के प्राकृतिक संसाधनों से दूर हो गए हैं। भू माफियाओं ने यहां के जंगल कृषि और नजूल भूमि पर कब्जा कर लिया है, इसे तत्काल रूप से रोके जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनुच्छेद 371 लागू करना आवश्यक हो गया है जिससे दूसरे राज्यों के लोगों द्वारा की जा रही जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू कानून आने से जहां एक ओर प्रदेश की जनता को फायदा होगा वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में पर्यटन के द्वार खुलेंगे जिससे रोजगार भी बड़े पैमाने पर उपलब्ध हो सकेगा। अंदर इस समय मूल निवास 1950 भू कानून इनर लाइन परमिट सिस्टम और आर्टिकल 371 की मांग है। ये आंदोलन जो है उत्तराखंड को बचाने का है। आज जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्रों के नाम पे अनलिमिटेड जमीन की खरीद फरोख्त का कार्य चल रहा है, हमारा सरकार से निवेदन है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र हिमाचल की तर्ज पे सिक्किम की तर्ज पे ऐसा भू कानून उत्तराखंड में भी लागू करो ताकि उत्तराखंड में हमारी जल जमीनें सुरक्षित रह सके। आज उत्तराखंड के अंदर जितना भी क्षेत्र बाहरी लोगों ने खरीद लिया, हम कहते हैं कि उत्तराखंड में आज बाहर के इतने क्राइम वाले प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं अपराधिक प्रवृत्ति के, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग पाता। हमारी सरकार से मांग है इन लोगों पर अंकुश लगाना, पहाड़ में क्राइम हो जाता क्राइम लेकिन क्रिमिनल का पता नहीं लग पाता। हम कहते हैं कि इसके लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम भी लागू करो। जब पूरे भारत के अंदर मूल निवास 1950 लागू हुए तो उत्तराखंड के संग भेदभाव क्यों किया गया है? उत्तराखंड के अंदर अगर बात करेंगे तो राज्य स्थापना के बाद का मूल निवास लागू है। और दूसरी बात हमने एक चीज और कही है, हमने कहा आर्टिकल 371 लागू करो। आज उत्तराखंड में हमारी बोली हमारी भाषा हमारी धार्मिक मान्यताएं खतरे में है। अगर उत्तराखंड में ही हमारी पहाड़ की भाषा नहीं बोली जाएगी हमारे धार्मिक उत्सव नहीं मनाए जाएंगे तो हम उत्तराखंडी कहां से कहलाए जाएंगे। इसलिए हमने सरकार से कहा है आप आर्टिकल 371 भी लागू करो और सरकार को ये हमारी चेतावनी भी है, अगर सरकार नहीं चेती तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन को भी बात दूंगे और सरकार को राज्य की सत्ता से भी उखाड़ फेंकने का कार्य हम 2018 में करेंगे। तो वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज उत्तराखंड का दौरा किया जहां उत्तराखंड के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने जीवन दीप आश्रम के श्री शतचंडी महायज्ञ में हिस्सा लिया, जिसके बाद उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता के सामने आज एक तरफ बीजेपी है जिसमें कई मुख्यमंत्री बदले गए पर फिर भी पार्टी प्रदेश की जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि आज बिजली आम आदमी की जरूरत है और उसे मुफ्त करना बहुत जरूरी है। वहीं जब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछा गया कि क्या उत्तराखंड के कांग्रेस से बागी हुए 11 विधायकों को पार्टी में शामिल किया जाएगा तो उन्होंने इस पर जवाब देते हुए कहा कि उनका ऐसा कोई विचार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में क्रिमिनल और दागी नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाना, दिल्ली में
दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री चुनके उनका मौका दिया, तो केजरीवाल जी की सरकार ने जो देश के सामने मॉडल रखा जिसमें एक तो बिजली का ही काम है सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से लोग चर्चा करते हैं, यहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था तो बहुत खराब है, आज यहाँ की शिक्षा अच्छी न होने के कारण भी लोगों का पलायन है, बेरोजगारी की वजह भी यही है कि यहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी में जल्द ही नेतृत्व परिवर्तन होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, इस बारे में जल्द ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा कोई फैसला लिया जा सकता है। अंदेशा यह भी लगाया जा रहा है कि श्रीनगर के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं सूत्रों की माने तो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, जबकि उनकी जगह श्रीनगर के पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों के साथ आज डीजीपी अशोक कुमार ने महत्वपूर्ण बैठक की है। उन्होंने सुरक्षा पर तैनात आईटीबीपी व एसएसबी समेत राज्य पुलिस के बीच आपसी सूझबूझ बनाने के निर्देश दिए। दरअसल आईटीबीपी एसएसबी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा और सूझबूझ स्थापित करने को लेकर डीजीपी लगातार सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। इसी क्रम में हुई बैठक में आज लीड इंटेलिजेंस एजेंसी की बैठक में बॉर्डर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। वहीं बॉर्डर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजित की जाने वाली मासिक गोष्ठी में आईटीबीपी एवं एसएसबी के कंपनी कमांडर स्तर के अधिकारी भी अब से भाग लेंगे। पुलिस के प्रवक्ता नीलेश भंडे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से होने वाले अपराध, मानव तस्करी, ड्रग्स, वन्य जीव तस्करी आदि पर रोक लगाने पर संयुक्त रूप से फोकस किया जाएगा। उत्तराखंड में पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा राजभवन कूच किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा राजभवन से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने मंत्रियों, न्यायाधीशों और पत्रकारों की जासूसी करने का काम किया है वो निंदनीय है। अगर केंद्र सरकार के अंदर जरा सी भी शर्म बची है तो तत्काल गृह मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए और जेसीपी से जांच करवानी चाहिए। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा कि आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। बैठे हुए लोगों के इशारे पर निजता पर हमला हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमारे नेता राहुल गांधी जी की जासूसी कराई जा रही है, अपने ही मंत्रिमंडल के मंत्रियों की जो है जासूसी और पत्रकार जगत के लोगों की जासूसी हो रही है, ये बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि आज के दिन वो राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें, इसलिए कूच किया गया है और हम सत्ता में बैठे लोगों से कहना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री से हम कहना चाहते हैं, यदि उनमें जरा सा भी नैतिकता बची हुई है तो उन्हें तत्काल पत्र दे देना चाहिए, अन्यथा कांग्रेस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ने के लिए पूरी तरीके से। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में प्रस्तावित झील को लेकर सिंचाई विभाग ने क्षेत्रीय ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने प्रस्तावित झील को लेकर ग्रामीणों से उनके सुझाव भी मांगे। देवप्रयाग रोड स्थित एक वेंडिंग पॉइंट में आयोजित इस बैठक में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता संदीप कुमार मौर्य ने सतपुली झील की डीपीआर की विस्तृत जानकारी देते हुए ग्रामीणों को बताया कि सतपुली झील पर शासन के निर्देशानुसार ग्रामीणों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने झील के प्रस्ताव पर उत्साहित होकर कहा कि झील से सतपुली क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जिससे क्षेत्र में आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। बैठक में उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार ने बताया कि सतपुली में झील बनने से नयार किनारे बने होटलों की सीवरेज की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही नयार नदी पर बनी झील से सतपुली विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी एक अलग पहचान बना पाएगा। वहीं बीजेपी नेता वेद प्रकाश वर्मा ने कहा कि सतपुली को पर्यटन के मानचित्र में लाने व आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए झील का निर्माण आवश्यक है। उन्होंने आगे बताया कि सतपुली में झील का निर्माण होने से होटल, टैक्सी आदि व्यवसायों में भी वृद्धि होगी।
के डाउन स्ट्रीम में जमुनारी झील प्रस्तावित है, माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब सतपाल जी महाराज जी के घोषणा के अनुसार यहाँ पर जो प्रस्तावित है और उसके संबंध में हमने आज यहाँ सार्वजनिक खुली बैठक रखी है जिसमें पूरे सतपुली के और आसपास के परिक्षेत्र के जो ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, जनपदीय लोकल जो हैं वो सब लोग अपना उन्होंने अपना इस खुली बैठक में भागीदारी करी है और मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि सभी लोगों ने अपना इस पक्ष में अपना एक सब लोग इसके पक्ष में आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये बनती है तो यहाँ के जन लोगन जो भी जन जो लोग हैं उनके आम जन पे इस चीज़ का बहुत असर पड़ेगा और पॉजिटिव रूप दिखाया है इस झील के निर्माण के संबंध में। सब लोगों ने अपना पक्ष रखा है और सब लोग इसके पक्ष में ही इन्होंने जो है अपनी बातें सारी कही जो कि देखे एक अच्छी बात लगी है। जो DPR है वो हमारी शासन में हमने जो हमारे सेक्रेटरी साहब मुरलीधरन साहब हैं उनके सामने हमने इसका प्रेजेंटेशन कर दिया है और हमें आशा है कि शीघ्र ही इसकी जो है विकसित स्वीकृति मिलने के बाद जो है हम इसका शीघ्र ही निर्माण जो है शुरू करा सकेंगे। गोष्ठी का आयोजन किया गया था, सब लोगों से पूछा गया था कि इसकी क्या उपयोगिता है। सब लोगों का ये कहना है कि छतपुरी जो कि पौड़ी से कोटद्वार के बीच का सेंटर है और कल जिस दिन ये NH पूरा हो जाएगा तो श्रीनगर से यात्रा बाकी छतपुरी से ही होगी और जिस छतपुरी में जहाँ झील का निर्माण हो रहा है ये NH के ठीक लगी हुई झील है। हर स्टेट का आदमी यात्रा में आता है, जो यहाँ से वापसी जाएगा उस झील को देखेगा और इस झील की बहुत लंबे समय से क्षेत्रीय जनता के एक मुश्त आवाज थी कि पूरे क्षेत्र का विकास करना है तो सतपुली में झील बननी चाहिए। आज सौभाग्य से उस पर एक सकारात्मक शुरुआत हो चुकी है और मेरा शासन प्रशासन से और क्षेत्र की जनता से अनुरोध है कि इसके पक्ष में खुल के लोग आए और प्रशासन उनकी भावनाओं को देखते हुए इसका निर्माण अविलंब करे। इसके बनने से पर्यटन की बहुत बढ़ावा मिलेगा, हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं वो पुनः वापसी होगी उन लोगों की, यहाँ बड़े होटल बनेंगे उसमें हमारे लोग काम करेंगे, अपने होटलों के अब होम स्टे के तहत अपने लोग होटल बनाएंगे, दो दो चार चार पाँच पाँच कमरे के अपने होटल बनेंगे। इससे इतना बड़ा व्यवसाय होटल को मिलेगा जिसकी लोगों ने कल्पना की थी कभी, वो आज साकार होने वाली है। वही उत्तरकाशी के मांडो गांव में आपदा का कहर अभी थमा नहीं था कि गंगोत्री धाम से महज 30 किलोमीटर पहले स्थित धराली कस्बे में खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से स्थानीय निवासियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। खीर गंगा का बहाव इतना बढ़ गया कि नदी गंगोत्री नेशनल हाईवे के ऊपर बने पुल से बहने लग गई। आपको बता दें कि साल 2018 में भी खीर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से काफी तबाही हो चुकी है। वहीं नदी से आए मलबे की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ गया जिसके बाद मशीनों की मदद से पानी को डायवर्ट कर मार्ग को खोल दिया गया है। हालांकि नदी से आ रहे मलबे की वजह से कल्प केदार मंदिर पर अभी भी खतरा बना हुआ है। वहीं हालात पर नजर बनाए रखने के लिए मौके पर आपदा प्रबंधन और पुलिस की टीम को तैनात कर दिया गया है। हरिद्वार महाकुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले की जांच कर रही SIT की टीम ने पहली गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तारी किए गए आरोपी का नाम आशीष है जो हरियाणा का रहने वाला है। वहीं इस मामले में अभी कई और लोगों के गिरफ्तार होने की भी आशंका जताई जा रही है। गौरतलब है कि कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए प्राइवेट कंपनी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज को ठेका दिया गया था पर मैक्स कॉर्पोरेट कंपनी ने खुद जांच न करके हरियाणा की नालवा लैब और दिल्ली की लाल चंदानी लैब को हायर कर लिया था जिसके बाद इन दोनों लैब्स ने कोरोना की लगभग 1,00,000 से अधिक फर्जी जांच दिखाई और लाखों लोगों की जांच के फर्जी डेटा बनाकर बिल बना डाले। इस पूरे मामले में हरिद्वार CMO की तरफ से हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। अब इस मामले में SIT ने पहली गिरफ्तारी कर ली है जिसमें आगे अभी और भी कई गिरफ्तारियां होंगी इसमें हो सकती हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के मौसम का पुनर्वान जारी कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि अगले 3 दिनों तक प्रदेश में ज्यादा एक्टिविटी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है, हालांकि कुछ इलाकों उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली में तेज बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। साथ ही उत्तराखंड में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक प्रदेश में बारिश की संभावना बनी हुई है।
इसके बाद 25 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश होने की भी संभावना है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, कुमाऊं, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंबावत और उधम सिंह नगर से ज्यादा बारिश वहां पर होने की संभावना बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आज पौड़ी पहुंचकर जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के जरिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के मंत्र भी दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में पार्टी को बूथ स्तर तक पार्टी का जनाधार बढ़ाने की जरूरत है। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष व बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटने के लिए कहा गया है। वहीं पार्टी प्रदेश स्तर पर विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए रोड मैप भी तैयार कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के दौरों के साथ ही 70 विधानसभाओं में बैठकों के जरिए पार्टी को मजबूती प्रदान की जाएगी। जिले की कार्य समिति है, जिसमें संगठन के वरिष्ठ नेता और सरकार के जो प्रभारी मंत्री हैं जिले के, तो इस प्रकार से चुनाव की दृष्टि से ये कार्य समिति हमारी आयोजित हो रही है। और पहली बार कोरोना के काल के बाद, कोरोना के काल में कोरोना को जब दृष्टि से कम है, तो पहली बार फिजिकली हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे कार्यक्रम वर्चुअल किए, उस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आने वाले समय में हम 252 मंडल में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें प्रभारी मंत्री और हमारा एक पदाधिकारी रहेंगे। इसी तरह से 70 विधानसभाओं में अलग से कार्यक्रम होंगे, जिसमें अधिकतर में मैं रहूँगा और सहिता पड़ने पर 30 लोगों को भेजेंगे। मुख्यमंत्री के 25 कार्यक्रम अलग से हम लोगों ने किए हैं, बाद में आवश्यकता अनुसार उनको बढ़ाएंगे। इस बीच में पहली अवस्थ से हमारे यहाँ 70 विधानसभाओं के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। पौड़ी जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह मोटर मार्ग बाधित हो रहे हैं, जिसके चलते आज राष्ट्रीय राजमार्ग 121 पर पाबो बुआखाल के बीच मांडा खाल में बड़ा बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया है। वहीं मार्ग बाधित होने की सूचना पर सहायक अभियंता मनोज रावत जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर बोल्डर के कटान का कार्य शुरू कर दिया गया है। सहायक अभियंता मनोज रावत ने बताया कि मार्ग को खोलने के लिए पत्थर के कटान का कार्य शुरू कर दिया है, कल शाम तक मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। किलोमीटर 52 में मांडा खाल से लगभग 8 किलोमीटर नीचे चट्टान गिरने के कारण सड़क पूर्णतः बंद हो गई है। चट्टान को डालने का कार्य किया जा रहा है, मार्ग को यातायात हेतु कल शाम तक संभवतः खोल दिया जाएगा। कार्य लगातार प्रगति पर। उत्तराखंड के हल्द्वानी जेल प्रशासन में तब हड़कंप मच गया जब कैदियों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया और एक साथ 16 कैदी एचआईवी संक्रमित पाए गए। इन कैदियों का इलाज शुरू कर दिया गया है। 16 एचआईवी संक्रमित कैदियों में से 15 पुरुष और एक महिला कैदी शामिल है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैदियों का इलाज उनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए किया जा रहा है। इसके साथ ही इलाज के दौरान संक्रमितों के पोषण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हल्द्वानी के जेल अधीक्षक सतीश कुमार सुखीजा के अनुसार डॉक्टरों से सलाह लेकर ही कैदियों को उपचार व इम्यूनिटी के लिए बेहतर भोजन दिया जा रहा है। हाँ, ये हमारे यहाँ रूटीन प्रक्रिया है जांच करने की। बंदियों की जो भी नए बंदी आते हैं उनका एचआईवी पॉजिटिव जांच करते हैं हम लोग। अगर कोई यहाँ पे पॉजिटिव निकलता है तो उसको फिर एआरटी सेंटर वहाँ जाके उसका कंफर्मेशन कराते हैं। अभी यहाँ पर 16 लोग हैं, जिसमें 15 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एक महिला है, वो वेस्ट बंगाल से शायद रजिस्ट्रेशन है, उसकी दवा चल रही थी, उसने हम लोगों को बताया नहीं, इसलिए उसका अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, लेकिन उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कुछ पुराने बंदी भी इसमें शामिल हैं? हाँ, 7 अभी नए हैं और 8 लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं। कुछ सावधानी भी बरती जा रही है? हाँ, सावधानी उनके खान पान का, अगर उन्हें एक्स्ट्रा डाइट की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर की सलाह पे उन्हें एक्स्ट्रा डाइट दी जाती है। वहीं उत्तराखंड के रोशनाबाद में सत्यम ऑटो कंपनी के मुख्य द्वार पर चल रहे शांतिपूर्वक धरने से मजदूरों को उठाकर पुलिस प्रशासन बसों में भर कर ले गया। इस समय सभी श्रमिकों को पुलिस लाइन ब्रीफिंग हॉल में
एकत्रित किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार पुलिस द्वारा महिलाओं व बच्चों के साथ मारपीट भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार मजदूरों को अलग अलग कर जबरदस्ती बॉन्ड भराया जा रहा है। वहीं संयुक्त संघर्षशील ट्रेड यूनियन मोर्चा हरिद्वार ने सभी मजदूर यूनियन और सामाजिक संगठनों से आह्वान किया है कि सत्यम ऑटो के मजदूरों पर पुलिस द्वारा दमन के विरोध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपें व विरोध प्रदर्शन करें। उत्तराखंड के रुड़की में सावन माह में कांवड़ियों के हरिद्वार जाने की रोक लगाने के बाद रुड़की विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र में गंगाजल बांटने के लिए टीम का गठन किया है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए लोग घरों में ही रहकर शिवरात्रि पर्व मनाएं और आसपास के मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए जलाभिषेक करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस बार भी कांवड़ियों के हरिद्वार आने पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही कांवड़ियों के रूप में हरिद्वार पहुंचने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी भी शासन द्वारा दी गई है। वहीं शिवरात्रि से पूर्व रुड़की क्षेत्र से भी काफी संख्या में लोग हरिद्वार में जल लेने जाते हैं और शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। रुड़की क्षेत्र से लोग हरिद्वार ना पहुंचे इसके लिए रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने घर घर गंगा जल पहुंचाने का निर्णय लिया है और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसी के साथ उन्होंने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है जो कि हरिद्वार से गंगा जल लाकर अलग अलग क्षेत्रों में जाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगी। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठित की गई टीम तांबे की छोटी लुटिया में गंगा जल लाकर शिवरात्रि से एक सप्ताह पूर्व लोगों तक पहुंचाएगी। उन्होंने कहा है कि इस कार्य में पार्षदों व भाजपा कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोग आसपास के शिवालयों में ही जलाभिषेक करें। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।